अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, दिस इज योर सब्जेक्ट एसएसटी। टुडे इन हिस्ट्री सेक्शन वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 1, द मुगल फाउंडेशन। द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टॉपिक नंबर 1.6, शेरशाह सूरीज कंट्रीब्यूशन। टेक्स्ट बुक पेजेस नंबर 10 एंड 11। दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 4 prepared by Sarvokar. Okay, so now let's continue. Let me explain it to you even more further. This is on page number 10 and 11, chapter number 1, the Mughal Foundation. Topic is 1.6. Sorry, this is not 1.5. The topic is 1.6. 1.6, Sher Shah Suri's contributions. शेरशाह सूरी जो के जनरल था बादशाह हुमायूं की फौज का, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थीम इसका जो मेन जो बात है, मेन जो इसमें जो जो टॉपिक है, जो मालूम जो हम इसमें लेंगे इस टॉपिक में, वो क्या है, व्हाट डिड शेरशाह सूरी डू वाइल बींग द किंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि जब शेरशाह सूरी जो है बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद जंग के अंदर, तो वो इंडिया का जब वो बादशाह बन गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उसने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, कि किस किस्म की तरक्की दी इंडियन जो पब्लिक है, अवाम है, उसको किस किस्म की डेवलपमेंट दिखाई और किस किस्म क्या काम किया उसने, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, हियर वी आर कम ऑन पेज नंबर 10 ऑफ यू चैप्टर नंबर 1.6 इज द टॉपिक नंबर। नेम ऑफ द टॉपिक इज शेरशाह सूरीज कंट्रीब्यूशन। शेरशाह सूरी ने क्या काम सर अंजाम दिए, क्या फ़ायदे पहुँचाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो दिस इज वीडियो पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में जो हमारे पास कितने लाइन्स आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 8 लाइन्स तक जिसकी हम स्टडी करेंगे, और बाद में फिर आपको इनके वर्ड्स क्या अंडरलाइन करवाए जाएंगे और साथ ही इनके मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर। शेरशाह सूरी स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द रुपी। शेरशाह सूरी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रुपया, जो करेंसी चल रही थी जिसका नाम रुपया था उस टाइम पे, उसके टाइम पे उसने उस करेंसी का मियार बुलंद करने का एक उसने आइडिया दिया, इस तरह कि उसने जो है अपने मुल्क की जो करेंसी है उसको उसने मजबूत कर दिया, स्टैंडर्डाइज मजबूत कर दिया या उसका मियार बुलंद कर दिया। दी रुपी इज टुडे यूज्ड एज द नेशनल करेंसी इन इंडिया। आजकल जो है इंडिया और बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो रुपया जो है वो नेशनल करेंसी के तौर पे वो इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशियस, नेपाल, पाकिस्तान, साइकल्स एंड श्रीलंका Among other countries, और ये ना सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है नेशनल करेंसी के तौर पर रुपये को, बल्कि इंडोनेशिया में भी, मालदीव्स, मॉरिशियस, नेपाल, पाकिस्तान, साइकल्स और श्रीलंका जो है वो भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर रुपया जो है वहाँ पर एक एज अ नेशनल करेंसी, कौमी पैसे के तौर पर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। The idea of a currency was later borrowed by the Mughals. इसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो ख्याल था, ये जो आइडिया था कि करेंसी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकती है, रुपये वाली करेंसी के जो नोट है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस ख्याल को बाद में उधार ले लिया, बरो कर लिया किसने, मुगल्स ने। मुगल्स यानी कि बादशाह हुमायूं के जो बाद जो आने वाले मुगल्स थे, उन्होंने उसको इस ख्याल को अडॉप्ट कर लिया और जो रुपया जो था वो कंटिन्यू उसको करते गए अपने दौरे हुकूमत में। ही बिल्ट मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रोहतास फोर्ट। जो शेरशाह सूरी था उसने जो है काफ़ी सारी यादगारें, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं यादगारों को, काफ़ी सारी यादगारें जो है उसने के तामीर की, जिसमें रोहतास फोर्ट भी शामिल है। रोहतास फोर्ट यानी कि रोहतास का जो किला है वो भी शामिल है। रोहतास का किला जो है, अगर आप स्टडी करें इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा रोहतास का जो किला है वो पाकिस्तान के इलाके जेलम में जो है वो पाया जाता है, और ये पाकिस्तान का भी जो है एक बहुत बड़ा, एक मशहूर, एक यादगार, एक किला है, और अक्सर आपने देखा होगा कि आपके स्कूल का ट्रिप भी जो है यहाँ पर जो है वो जाता है।
तो रोहतास फोर्ट को उसको विजिट करने के लिए, ना सिर्फ आपके स्कूल ट्रिप जैसा बल्कि जितने भी गुजरात के जो अक्सर जो स्कूल हैं जहाँ पर वो लाहौर मीनार पाकिस्तान देखने विजिट करने जाते हैं या बादशाह मस्जिद को विजिट करने जाते हैं, वहाँ पर कभी ना कभी जो है वो ट्रिप जो है लेके जाते हैं, जिला जेलम के रोहतास फोर्ट की तरफ भी लेके जाते हैं, और बच्चों को वहाँ पर जो है मालूमाती जो तफरी वो करने का वहाँ पे मौका उनको मिलता है। ये जो पार्ट वन की जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है पेज नंबर 10 पे हमारे पास पॉइंट टॉपिक नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट 8 लाइन्स हैं इनमें कौन कौन से वर्ड अंडरलाइंड है और उनका मतलब क्या है। तो इसमें सबसे पहला लाइन नंबर 1 में हमारे पास 2 वर्ड अंडरलाइंड है, एक है स्टैंडर्डाइज, दूसरा है करेंसी। स्टैंडर्डाइज जो है इसका मतलब है मियार कायम करना या मियार बुलंद कर लेना। करेंसी यानी कि जो नोट जो होते हैं उसको करेंसी कहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग तारीफ करना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ख्याल कोई नज़रिया। रुपी, रुपी का मतलब है जो रुपया जो नोट का नाम जो कि करेंसी का नाम जो कि पाकिस्तान और इंडिया में चल रहा है। नेशनल करेंसी कौमी नोट या कौमी रकम। कौमी नोट या कौमी रकम वो होता है कि जो कि किसी भी गवर्नमेंट का जो है वो अनाउंस कर लेती है कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में और पाकिस्तान में जो अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा जो नेशनल करेंसी है वो रुपया है, तो रुपया क्या हो गया, ये नेशनल करेंसी हो गया। इसी तरह अमेरिका में जो डॉलर चलते हैं तो डॉलर जो है क्या हो गया, वो अमेरिका की नेशनल करेंसी हो गई। इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं तो इंग्लैंड की वो नेशनल करेंसी हो गई, एंड सो ऑन। मॉरिशियस एक मुल्क का नाम है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में हमारे पास साइकल्स अंडरलाइंड है। साइकल्स का भी एक मुल्क का नाम है जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में पाया जाता है। उसके बाद आइडिया, आइडिया का मतलब है ख्याल। उसके बाद लाइन नंबर 7 में लेटर है। लेटर का मतलब है बाद में आने वाला। और बोरोड, बोरोड का मतलब है उधार ले लेना। लाइन नंबर 8 में हमारे पास है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स अंडरलाइंड है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब है यादगारें, यानी कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसी तस्वीर या ऐसे इलाके जो कि यादगार के तौर पर जिनकी जिनको तरक्की दी जाए, जिनको डेवलप किया जाए। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब है किसी चीज़ को शामिल कर लेना किसी चीज़ में। और फोर्ट, फोर्ट का मतलब है किला। जी, अगर हम इनके वर्ड्स मीनिंग्स को अगर हम प्रॉपर से ज्यादा लें तो वो इस तरह बनते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स लाइन वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक नंबर 1.6 पार्ट 1, शेर शाह सूरीज कंट्रीब्यूशन पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 1 लाइंस 1 से 8 की हम जो है इसमें जो वर्ड्स मीनिंग्स है वो हम इनकी स्टडी करेंगे। तो लाइन नंबर 1 जो है उसमें 2 वर्ड अंडरलाइंड है पेज नंबर 10 पे, विच इज नंबर 1 इज स्टैंडर्डाइज और दूसरा जो वर्ड है दैट इज करेंसी। स्टैंडर्डाइज जो है हमारे पास इसका मतलब है मियार कायम किया या मियार कायम करना। करेंसी, करेंसी का मतलब है पैसे या नोट। लाइन नंबर 2 पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वर्ड्स अंडरलाइंड है। एक है इंट्रोड्यूसिंग, दूसरा है कॉन्सेप्ट और तीसरा है रुपी। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब है मुतारिफ कराना, किसी चीज़ के बारे में हम बताना। कॉन्सेप्ट का मतलब है नज़रिया। रुपी का मतलब है रुपया। लाइन नंबर 3 पेज नंबर 10 पे हमारे पास एक वर्ड जो है वो अंडरलाइंड है, विच इज़ नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी का मतलब है कौमी नोट। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे हमारे पास एक वर्ड अंडरलाइंड है जो क्या है, मॉरिशियस। मॉरिशियस जो है ये जजीरा नमा एक मुल्क है जो कि श्रीलंका के पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाक़ है। लाइन नंबर 5 में हमारे पास एक वर्ड अंडरलाइंड है ऑन पेज नंबर 10, विच इज़ साइकिल्स। साइकिल्स जो है एक मुल्क का नाम है जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। लाइन नंबर 6 हमारे पास है नंबर 1, एक वर्ड अंडरलाइंड है विच इज़ आइडिया। आइडिया का मतलब है ख्याल। लाइन नंबर 7 पे आ जाए। लाइन नंबर 7 में हमारे पास 2 वर्ड अंडरलाइंड है पेज नंबर 10 पे। फर्स्ट वर्ड इज लेटर, दूसरा वर्ड इज बारूद। लेटर का मतलब है बाद में और बारूद का मतलब है उधार लिया गया। जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट लाइन बचती है पेज नंबर 10 पे, विच इज लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 पे हमारे पास 3 वर्ड्स जो हमारे पास अंडरलाइंड है पेज नंबर 10 पे, विच इज मॉन्यूमेंट्स,
नंबर टू इज इंक्लूडिंग, नंबर थ्री इज फोर्ट। मॉन्यूमेंट्स का मतलब है यादगारें, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत, कोई ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर, या कोई ऐसी जो है वो कोई क्या कहते हैं कि तस्वीर वगैरह, या कोई ऐसे इलाका जिसको यादगार के तौर पे तैयार किया जाए, जिसको यादगार बना दिया जाए कि पूरी तारीख आगे वाली जो तारीख है लोगों की उसको याद रखे, उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो कि न्यूयॉर्क में जो पैसिफिक ओशियन है, सॉरी एटलांटिक ओशियन है, वहाँ पे जो पाया जाता है, आप देखोगा कि एक स्टैचू वहाँ पे होता है समुद्र के दरमियान में, न्यूयॉर्क का जो सी पोर्ट है वहाँ पे, तो उस स्टैचू लिबर्टी को मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इस तरह पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान जो है इसको मॉन्यूमेंट हम कहेंगे। तो ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये यादगार, इनको इसका मतलब होता है। इंक्लूडिंग का मतलब है समेत या किसी के साथ। फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑन पेज नंबर 10, टॉपिक नंबर 1.6। इसके हम जो है इसकी हमने स्टडी की है लॉन्ग विद वर्ड्स मीनिंग्स एंड फुल ट्रांसलेशन। तो दिस वाज द वीडियो लेसन पार्ट वन। You will have to wait for part 2 video lesson, which will be coming soon. Have a nice day.